जल प्रकृति की अनमोल धरोहर है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि हमें अपना कल बचाना है तो आज जल बचाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में लोगों से जल संरक्षण की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया। जन शक्ति से जल शक्ति को संभव कर दिखाया जबलपुर के पड़वार गांव के लोगों ने। अपने हौसलों के दम पे गांव वालों ने गौर नदी पर स्टॉप डैम का निर्माण कर दिया। देखिए हमारी ये गुड न्यूज। जल संरक्षण और जल संवर्धन के प्रति मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित पड़वार गांव के लोगों ने एक अनूठी मिसाल कायम की है। यहां के निवासियों ने अपनी स्वप्रेरणा से गौर नदी पर स्टॉप डैम का निर्माण किया। इनके इस प्रयास ने जल संरक्षण की मुहिम को एक नई दिशा दी है। गांव वाले बताते हैं कि पहले जहां इस नदी में पानी नहीं रहता था, वहीं अब पानी का जलस्तर बढ़ गया है। पहले जो दिक्कत थी भैया कि ये नदी पूरी सूख जाती थी, इसमें पानी नहीं रहता था तो पीने को भी परेशान हो जाते थे और सिंचाई को भी परेशान थे। और ये डैम बन जाएगा तो नदी में पानी रहेगा तो सब सुविधाएं हो जाएंगी हम लोगों को। पहले बहुत बड़ी दिक्कत थी पानी के वजह की, तो बहुत बड़ी दिक्कत थी। पानियों नदियों में पानी नहीं रह जाता था, सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था। और आज पानी का भगवान की कृपा से, नर्मदा माई की कृपा से कुछ अच्छा लगने के लगा है देखने में। पहले दिक्कतें यही हैं कि पानी का जल स्तर बहुत नीचे है इधर। कोई बोर कराता है, कुआं कराता है तो फेल हो जाता है, आदमी खेती नहीं कर पाता उस स्तर से। डैम बन जाएगा, हो सकता है वाटर लेवल आ जाए। गौर नदी पर जन भागीदारी से निर्मित इस बोल्डर वाटर डैम का शुभारंभ 6 जुलाई को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। गांव वालों के इस प्रयास की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल का आंदोलन जन का आंदोलन बने, तभी हम जल संरक्षण कर पाएंगे। इस अवसर पर पर्यावरणविद पद्मश्री महेश शर्मा ने भी पड़वार के लोगों के इस अद्भुत कार्य को जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन की सफलता बताया है। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां जो इस तरह से सामने दिखाई देती हैं, हम मोस्ट वल्नरेबल स्टेट आज की तारीख में है, तो हमको इस तरह के नवाचार करने पड़ेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी नवाचार को गति प्रदान करने के लिए देश भर के चुने हुए 2.5 लाख ग्राम प्रधानों को, सरपंचों को 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है अपनी तरफ से पत्र लिखा है और इस तरह के नवाचार करने के लिए उनको प्रेरित किया है। हमने राज्य सरकारों के भी साथ बैठकर के इन सारे विषयों पर जो है गंभीरता से विचार किया है, लेकिन अंत तो गत्वा ये तभी सफल हो सकता है जब जल का आंदोलन, जैसे मैंने कहा, जन का आंदोलन बने। मैं व्यक्तिगत रूप से और जबलपुर संसदीय क्षेत्र की ओर से माननीय शेखावत जी के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए इसके महत्व को देखते हुए एक छोटा सा ये प्रयास था, किसी चिड़िया की तरह किया हुआ प्रयास, आग बुझाने के लिए चिड़िया जो प्रयास करती है वो प्रयास था, और इसके माध्यम से उन्होंने ऐसे हर व्यक्ति का उत्साह वर्धन करने की कोशिश की है जो ऐसा प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए इसकी सफलता को केवल इतने पानी रोकने से नहीं मानना चाहिए। यह गोमुख की तरह है या गंगोत्री की तरह है, ये बढ़ेगा, आप और हम सब मिलेंगे इसमें, इसकी सफलता में बहुत बड़ी संभावना है। और सबसे बड़ी बात है कि जनमानस अपनी धरती माँ की प्यास बुझाने के लिए एक सेवा का कर्तव्य कर रहा है, तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास ही वास्तव में भारत को सशक्त बनाएंगे। ग्रामीणों के श्रमदान और डैम की इस पहल से गौर नदी को पुनर्जीवन मिला है। पड़वार में इस डैम के तैयार होने से ग्रामीणों की रोजमर्रा की जरूरत तो पूरी होगी, साथ ही खेती में भी मदद मिलेगी। जबलपुर से धीरज शाह के साथ भोपाल से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट।